भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जिला हमीरपुर के संगठनात्मक बैठक प्रीति गृह हमीरपुर में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम शर्मा और जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अभी से ही बूथ स्तर पर मेहनत करनी होगी, ताकि अधिक से अधिक जनमत भाजपा के पक्ष में लाया जा सके। जिला भाजपा अध्यक्ष ने पूर्व कर्मचारियों की विधानसभा चुनावों में रही भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि 2019 का चुनाव एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जिसे हर हाल में जीतना है। प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पुरुषोत्तम ठाकुर ने कहा कि जिला बीते विधानसभा चुनावों में भारी क्षति झेल चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव जिले का भविष्य तय करने वाला है। इस मौके पर डीसी शर्मा जितेंद्र राणा, ओमकार चौहान, रवि शर्मा, अशोक चौहान, बलदीप कपूर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। हमारी इस जिला हमीरपुर पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की बैठक के जो मुख्य बिंदु थे वो ये थे कि 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर के हमारी तैयारियां कैसी होनी चाहिए, संगठन को किस तरीके से आगे तत्परता से काम करना है, ताकि आने वाले समय में जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हों तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से पिछली बार की अपेक्षा भी ज्यादा मतों से जीत करके लोकसभा में जाए। दूसरा जो यहाँ पर चर्चा का मुख्य बिंदु रहा वो ये रहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो लोगों को भ्रमित करने के लिए एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर रही है और प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल फैलाने का प्रयास कर रही है। वो लोगों में जहां यहां वहां चर्चा करते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनसे 4.5 साल का हिसाब मांगती है कांग्रेस पार्टी। मैं ये कहना चाहता हूं बड़े खुले मन से कि सांसद तो अपने 4.5 साल का 5 साल का जो कार्यकाल कालखंड का जो हिसाब है वो तो अपने चुनाव क्षेत्र की जनता को देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब पिछले 5 साल हिमाचल प्रदेश की सत्ता में थी मैं उसका हिसाब उनसे पूछना चाहता हूं। 2012 में जब चुनाव हुए तो भारत कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र आया उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि प्रदेश के कर्मचारियों को 4/9/14 का वेतनमान का लाभ जो है वो पंजाब के आधार पर देंगे। दूसरा उन्होंने लिखा था कि प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को 65-75 का जो आयु वर्ग पे मिलने वाला वेतनमान का लाभ है वो भी पंजाब के आधार पर देंगे। तीसरा उन्होंने लिखा कि प्रदेश के बेरोजगार युवा पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 साल सत्ता में रहने के बाद जब प्रदेश की जनता ने इनसे हिसाब ले लिया और इनको समेट करके पैक करके घर भेज दिया तो 2017 में जो इनका घोषणा पत्र आया उसके अंदर भी इन्होंने वही लिखा जो 2012 के घोषणा पत्र में लिखा था। 2017 का घोषणा पत्र आपके पास होगा, आप उसको देखें पढ़ करके। उन्होंने लिखा कि पंजाब के आधार पर 4/9/14, 65-75 प्रदेश के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि अगर 2012 का घोषणा पत्र भी आपका वही रहा, 17 का भी वही रहा, तो 5 साल प्रदेश में सरकार में रह करके आपने क्या किया इसका भी हिसाब 2019 के लोकसभा चुनावों में आपकी जनता जो है प्रदेश की जनता वो आपसे खुले तौर पर लेगी।